किसान आंदोलन का आज 18वां दिन, सिंघू बॉर्डर पर घने कोहरे के बीच डटे किसान। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम, कड़ाके की ठंड के बीच मुस्तैद हैं सुरक्षाकर्मी। राजस्थान के शाजापुर से किसानों ने दिल्ली किया कूच। किसानों के आंदोलन में फतेह का भरोसा, पानीपत में हाईवे पर जमकर किसानों ने किया डांस। आंदोलन के किसी नतीजे पर आने से पहले ही किसानों ने खुशी से नोट बरसाए, जिनमें पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह और भिवानी के बीजेपी सांसद धर्मवीर के काफिले को दिखाए गए काले झंडे। किसानों और खाप नेताओं ने किया विरोध। किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक संगठन एसएफजी की साजिश का खुलासा, मैक यानी मल्टी एजेंसी सेंटर की रिपोर्ट। एसएफजी शंभू बॉर्डर पर खालिस्तानी झंडा फहराने की रच रहा साजिश। मैक की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों को दिया जा रहा है इनाम का लालच भी। एनआईए ने परमजीत सिंह पम्मा, गुरपतवंत सिंह पन्नू और जेएस धालीवाल समेत 16 खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। ये विदेशों में बैठकर रच रहे साजिश। नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग के साथ अखिलेश यादव का केंद्र पर वार। लिखा, अमीरों के चारण बनकर जो बैठे हैं दरबारों में, अब झूठ फैलाने निकले वो गांव गली चौपालों में। आज मेरठ में कृषि यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। 401 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बयान, सीएम ममता बनर्जी की चुनाव की हार पर हत्या करा सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी के बयान पर किया पलटवार, हार की आशंका से डरी टीएमसी, बटोरना चाहती है सहानुभूति। जेपी नड्डा पर हमले के मामले में केंद्र की बड़ी कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस ऑफिसर को डिपुटेशन पर दिल्ली बुलाया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर साधा निशाना, कहा हम ईद का जवाब फूल से देंगे। महाराष्ट्र के पर्ली में शरद पवार के जन्मदिन में कटे केक को लेने के लिए मची लूट, 81 किलो का केक लूटने के लिए जमकर बरपा हंगामा। मंत्री धनंजय मुंडे ने शरद पवार के जन्मदिन पर काटा था केक, अभिनेता गोविंदा भी थे साथ में। मध्य प्रदेश के धनपुरी में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, कुछ गाड़ियों के उड़े परखचे। साइबराबाद में भी ट्रक ने एक कार को कुचला, हादसे में 5 लोगों की गई जान, कबाड़ बनी कार। जबरदस्त बर्फबारी से सफेद हुआ उत्तराखंड का पर्यटन स्थल औली, गाड़ियां पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से ढके। बर्फबारी के बीच औली में जुटा पर्यटकों का हुजूम, जमकर कर रहे मौज मस्ती। सरसफेद वादी में पर्यटकों में बढ़ा रोपवे से सफर का रोमांच, बर्फ में कर रहे हैं ट्रॉली से सफर। शिमला में भी जबरदस्त बर्फबारी, हर ओर बिछी सफेद चादर। दिल्ली समेत एनसीआर को आज घने कोहरे का करना पड़ा सामना, सुबह NH1 पर राहगीरों को हुई मुश्किल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।